प्रदेश सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए पढ़ने वाले मासूम बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन सारे दावों को बागली विकास खंड के कमलापुर संकुल के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल साकल घाट ही झूठा साबित करने के लिए काफी है। विद्यालय में आदिवासी समाज के 64 बच्चे दर्ज हैं, जो प्रतिदिन स्कूल भवन जर्जर होने के कारण स्कूल के सामने स्थित एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। शासकीय प्राथमिक स्कूल का भवन विगत 2 वर्षों से जर्जर अवस्था में है। भवन के एक हिस्से की छत भी गिर चुकी है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझ रहे हैं। भवन में जान का खतरा होने के कारण स्कूल पेड़ के नीचे संचालित किया जा रहा है। बारिश के दिनों में गीली जगह में ही बैठकर बच्चों को पढ़ाई करना पड़ती है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा विभाग से मिलने वाली कई सुविधाओं से कोसों दूर है। आदिवासी क्षेत्र एवं मुख्य शहरों से कोसों दूर जंगल क्षेत्र में स्थित स्कूल होने के कारण अधिकारी व नेता भी स्कूल तक पहुँचना उचित नहीं समझते हैं, और इसी के चलते मूलभूत सुविधाएं बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। पूरे भवन की छत से जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, तो नींव भी कमजोर हो चुकी है। यह एकमात्र स्कूल मासूमों को शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम है, लेकिन हमेशा यहां हादसे का भय बना रहता है। हम आपको बता दें कि पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी द्वारा उक्त भवन की जगह नए भवन बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तो आपको पढ़ाई करना पड़ रही है? हमारी स्कूल टूटी हुई, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर रहे। कभी भी वो गिर सकती है, पूरी झारझार हुई है। कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? 2 साल से ऐसा ही चल रहा है सर। ये बारिश के दिनों में यहीं पे नीचे बैठ के गीले में बैठ के पढ़ाई की हम। क्या मांग करते हो आप सरकार से, क्या चाहते हो? कि हमारी स्कूल नई बन जाए। नए भवन की मांग करते हैं? हाँ सर। क्या नाम है? संजय। कमलापुर संकुल के अंतर्गत आने वाले साकल घाट चौकी मोहल्ला स्कूलों की हालत काफी समय से जर्जर है, बदहाल है, क्या कारण और अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई नए भवन के लिए? विभाग के द्वारा इन भवनों के मेजर रिपेयर के लिए प्रस्ताव दिया गया था। मेजर रिपेयर की राशि प्राप्त हुई थी, किंतु पंचायत के द्वारा ये कार्य नहीं करवाया गया और इस राशि को वापस जिले में जमा करवा दिया गया। क्या कारण रहा सर जो राशि वापस? उन्हें कहीं आश्वासन मिला था कि नवीन भवन उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वो राशि वापस कर दी थी। अब चूंकि भवन ऐसी स्थिति में है कि बच्चों को बैठने लायक नहीं है, तो वापस उस राशि की मांग की जा रही है कि वो राशि यदि मिल जाएगी तो इन भवनों के ऊपर टीन शेड डालकर बच्चों को बैठने लायक जो है भवन को बना दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से यहाँ की स्थिति को से अवगत कराया गया था अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ा या कोई अधिकारी आए थे यहाँ पर? बिल्कुल, जो है यहाँ पर अधिकारी महोदय आए थे, पहले BRC महोदय आए थे हमारे यहाँ पर, और उसके बाद जनशिक्षक महोदय भी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर स्कूल वगैरह को देखा है और उन्होंने भी आगे के लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है। बिल्कुल, अभी हल नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी जो है सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। बिल्कुल आश्वासन, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि आश्वासन मिल रहा है, पर उन्होंने भी आगे के लिए कार्रवाई कर दी है ऐसा बोला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।